आई विश कि आप लोग समर का मज़ा ले रहे होंगे, आइसक्रीम खा रहे होंगे, मिल्क शेक पी रहे होंगे, सब ठंडी ठंडी चीज़ें खा लीजिए आराम से। ये जो समर होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मज़ा आता है ठंडी ठंडी चीज़ें खाने में, और जितना चाहे हम उतना खा सकते हैं, तो इंजॉय करिए। तो ठंडी चीज़ें खा रहे हैं लेकिन अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि ठंडा खा लिया है और आपने इतना ज़्यादा खा लिया है कि आपकी हेल्थ ख़राब हो गई है, तो हर चीज़ में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे पास आज का ये टॉपिक है कि कुछ लोग हैं जिनको लोगों के बारे में बातें करने का बहुत शौक होता है, कुछ नहीं बहुत लोग हैं वैसे, ठीक है हर कोई करता है, चलिए वो भी मान लेते हैं। तो हर कोई जो करता है, मैं बस आप सभी से वो निवेदन करूँगी कि आप लोग बात जो भी करिए लेकिन किसी के बारे में इस टाइप का कमेंट मत करिए, उसके लुक्स के ऊपर, उसके फिगर के ऊपर, या उसकी पर्सनालिटी के ऊपर। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा किसी को बोलना या उसको फील कराना इज़ अ गुड थिंग। सामने वाले को बुरा लगे ऐसी कोई बात तो आपको बोलनी नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और क्या होता है ना, अगर आप किसी को इस तरह के कुछ बात बोल देते हैं ना, सामने वाले का कॉन्फिडेंस बहुत लूज होता है। सामने वाले के अंदर में, मतलब वो जो होता है ना कि किसी को फेस करने का जो गट्स होता है वो ख़त्म होता जाता है। सो दैट इज़ वेरी बैड। अगर आप किसी को ऐसे जानते हैं जो कि थोड़ा ओबेस हैं या फिर थोड़े हेल्दी हैं, तो आपको उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एडवाइस देने अलग चीज़ होता है कि हेल्थ के लिए, बट द थिंग इज़ दैट उनको बुरा लगाने वाली बात मत कीजिए। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन अंडरस्टैंड, बट जो होता है ना, भगवान ने जिसको जैसा बनाया है वो वैसा ही अच्छा है। और जो भी इंसान अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है और ये सोचता है कि वो अच्छा नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईश्वर ने जिसको जैसा बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है, तो आप जैसे हो ना वैसे रहो। बस अपने हेल्थ का ध्यान रखो और साथ में अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि आप जितने कॉन्फिडेंस से दुनिया को फेस करोगे ना, दुनिया आपके लिए बोलने से पहले 1000 बार सोचेगा। ठीक है, तो बी कॉन्फिडेंट और खुश रहो और अपने आप से बहुत प्यार करिए, क्योंकि भगवान ने जो बॉडी दी है ना वो भी हमें बहुत मुश्किल से मिली है, तो इसका सम्मान करना सबसे पहली बात है। सम्मान करिए लेकिन इतने एरोगेंटली आपको नहीं करना चाहिए। जिस जो कोई अपना बॉडी फेस फिगर को लेके ज़्यादा एरोगेंट है, तो प्लीज़ ये मत करिए। रेस्पेक्ट करिए जो कुछ मिला है उसका, और आगे बढ़ते रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। जितने कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा आगे के लिए भी। तो बस मेरा यही छोटा सा मैसेज था, होप कि आप लोगों को ये मैसेज जो है कहीं ना कहीं काम आएगा। एंड कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। कहीं भी जाते हैं, किसी से भी मिलते हैं या अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करिए। तो आशा करती हूँ चीज़ें काम आएंगी आपकी, और कोशिश यही है मेरी कि ये जो चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। और बहुत बहुत धन्यवाद, मैं देख रही हूँ कि मेरे YouTube चैनल पे जो अभी रेस्पॉन्स आ रहे हैं मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। तो थैंक यू वेरी मच, ऐसे सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए, और सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। बाय।